तो बड़ी खबर आपको बता दी, ग्राम प्रधानों से संवाद कर रहे हैं सीएम। ग्राम प्रधानों के साथ में वर्चुअली संवाद कर रहे हैं सीएम। तो ग्राम प्रधानों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि गांवों के विकास को लेकर प्रधानों के साथ में वो चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ किया है और इस दिशा से एक सरकार जो सकारात्मक सोच के साथ विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाई है, उस सरकार के द्वारा न केवल जनता जनार्दन ने अभी हमें 2/3 बहुमत से प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिया है, तो विधानसभा में तो हमें बहुमत मिल गया है, विधान परिषद में बहुमत के लिए ये 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विजय श्री होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, ऐसे ही आपने देखा होगा नगरीय क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ। हमारे 17 नगर निगम हैं, इस 17 नगर निगमों को 10 को भारत सरकार के सहयोग से, शेष 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। 60 सिटी में अमृत योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ कार्य चल रहा है और यही नहीं, प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के माध्यम से भी हम नगर पंचायतों को और भी आगे न केवल उसको अधिकार दे रहे हैं बल्कि उनके समग्र विकास की एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मेरा आप सबक से आह्वान होगा, अगर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत या राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, इन सुविधाओं को सरकार ने बिना भेदभाव के हर एक स्तर पर पहुंचाने का काम किया और उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं और मेरे सभी सहयोगी आपके साथ आए हैं। आज हमारे साथ माननीय सांसद भी जुड़े हैं, माननीय विधायकगण भी जुड़े हैं, हमारे मंत्रीगण जुड़े होंगे। मेरा उन सबसे आग्रह होगा अगले 4-5 दिन का समय हम अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारे पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए पूरी रणनीति बना करके और विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत का हम सबके पास समर्थन हो इसके लिए उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से उस प्रकार की रणनीति स्थानीय स्तर पर पार्टी के द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत हम कार्य करें और जितने भी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत के मान्य सदस्य, क्षेत्र पंचायत के मान्य सदस्य, ग्राम प्रधान, चेयरमैन, महापौर, पार्षद, ये सभी ग्राम प्रधान, ये सभी लोग मिलकर के फिर से भारी बहुमत के साथ, अभी आपने 10 मार्च को जो परिणाम दिया है, इस परिणाम ने एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के डंके को मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित करने का काम किया है और हम एक बार फिर से इस बात को साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश के विकास के विजन को लेकर के आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ही इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। और इस दिशा से मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि 9 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं और 9 अप्रैल के पहले अपनी पूरी कार्ययोजना बना करके हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको मजबूती के साथ लागू करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए और इसके लिए मेरी अपील होगी आप सभी से। आप सब जानते हैं कि 75 में से 67 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, 825 विकास खंडों में से 600 से अधिक विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, 17 में से 14 महापौर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने हैं, 200 नगर पालिकाओं में चेयरमैन ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सभी का सहयोग लेकर के ऐसे ही नगर पंचायतों में भी, हमने तो अभी एक नगर पंचायत के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन भी, विधायक भी बनाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी वह दल है जो ग्राम प्रधान से लेकर के चेयरमैन और पार्षद तक को विधायक बनाने की क्षमता रखती है। यहां परिवार नहीं, यहां जाति नहीं,
यहां पर तो कोई कॉमन कार्यकर्ता भी उच्च से उच्च पद पर जा सकता है। और इसी दिशा विधान परिषद के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी के लिए आज हमारी पूरी टीम आपका आह्वान करने के लिए वर्चुअली आपके साथ जुड़ रही है। यह संभव नहीं था कि हम लोग हर एक जगह जाएं, लेकिन मेरी अपील होगी कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे दोनों डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के रूप में, आप सभी लोग, हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वे सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दें और वहां पर उन लोगों का समर्थन, प्रत्येक मतदाता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराने की पूरी तैयारी करें, जिससे विधान परिषद में भी हमारे पास पूर्ण बहुमत हो और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए, प्रदेश में लोक कल्याण के लिए चल रहे उस विजन को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है, तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए इस विजन को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कल से बासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, भारतीय नव संवत्सर है, कहते हैं सृष्टि के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जगत जननी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप विकास और सेवा के जिस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, ये मजबूती के साथ आपके जीवन को और भी यशस्विता प्रदान करे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को उन सभी सीटों पर जहां चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं, आप विजय उपलब्ध कराने में, उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से बासंतिक नवरात्रि की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए माननीय अरविंद शर्मा जी, हमारे तो 9 अप्रैल को विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उसी को लेकर तमाम ग्राम प्रधानों से, जिला पंचायत सदस्यों से और साथ ही साथ जो विधायक और सांसद भी जुड़े हुए थे उन सभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो अधिकृत प्रत्याशी बीजेपी के हैं उनको जिताने के लिए काम करें।